सुशी जैन, आप एक्स मुस्लिम है? नहीं, आप एथिस्ट है? ना, जैन हो ना तो जैन एथिस्ट होते हैं ना? जैन एथिस्ट होते हैं, मतलब जैन किसी भी ईश्वर पे नहीं मानते? नहीं, जैन जो होते हैं वो क्रिएटर गॉड पे नहीं मानते। मतलब जो अभी जो गॉड का कंसेप्ट होता है ना, जैसे कि आपके इसमें है कि जो क्रिएट करता है, करेक्ट? तो हमारे अंदर वैसा वाला कंसेप्ट नहीं होता कि क्रिएशन नहीं। तो आपके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ गॉड क्या है? हमारे हिसाब से डेफिनेशन ऑफ गॉड अगर जाएंगे तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। डिटेल में बताओ, मतलब डिटेल में। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक घंटा सुन सकते, जैसे कि आप दो मिनट में या तीन मिनट में बताए कि क्या आपका कंसेप्ट ऑफ गॉड है, कि नहीं? डिटेल एक होता, लंबा एक लेक्चर। हाँ, तो वो तरीके से वीतरागी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी ये कषाय हम इसको बोलते हैं, इसे टोटली रहित होते हैं। और दूसरा होता है कि वो मार्ग दिखाने वाले होते हैं। और मार्ग कौन सा होता है? जो मोक्ष का मार्ग, क्योंकि हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, यानी सुख चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि बाकी के रिलीजन धर्मों में रहता है कि इसके बाद आपके हिसाब से आप जन्नत में जाएंगे, तो वहां पे क्या है कि खुशी ही खुशी है। तो आपका मार्ग ऐसा है कि बोलते कि इस खुदा को मानो, इस नबी को मानो, और ये जो आपके जो 5 पिलर्स और 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ होते हैं, तो वो है। तो उसी तरीका से वो हमें हमारा रास्ता दिखाते कि अगर आपको खुश होना है हमेशा हमेशा के लिए, तो ये चीजों को मानना पड़ेगा और ये फॉलो करना पड़ेगा, तो आप हो जाओगे। तो उसके वजह से हम उनको गॉड कहते। तो ये हमारे डेफिनेशन हो गए। तो आप बोल रहे कि वो मार्ग दिखाते, वो क्रोध नहीं उनके अंदर, मान, माया, लोभ नहीं, ये सब है ना? हाँ, वो सब कुछ। हाँ, सब कुछ वो सब है। वो है कैसे? वो मतलब उनका आकार है, या वो मतलब कि हमारे जैसे दिखते हैं? किसके जैसे है? क्या उसके क्या बोलते हैं आप? हाँ, तो वो जो होते हैं ना, वो अपने आपके और मेरे जैसे ही ना पहले मनुष्य थे, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, तब उनको केवल ज्ञान हो गया, तब वो आके, तो वो उनको होता है। तो आप महावीर को ही गॉड मानते, ईश्वर मानते? सॉरी, मतलब जो महावीर जैन थे उनको ही ईश्वर मानते हैं? हाँ, लेकिन वो अकेले नहीं है जी, और भी ईश्वर है उनके साथ। नहीं नहीं, देखिए, ईश्वर एक कंसेप्ट है और उसमें भगवान महावीर आते हैं, तो ये दो अलग कंसेप्ट है। यानी मींस की जैसे आप बोलेंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर है, अभी कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, जब आते रहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर ये गॉड कॉन्सेप्ट वैसा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे महावीर जैन उसमें आ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, या मतलब ईश्वर बन गए, उसके बाद और भी ईश्वर बनते, और भी लोग बनते जाते? हाँ, वो काल रहता है उनका। अभी के तो वो तो 24 थे, यानी आखिरी थे, तो इस काल का तो खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट काल के फिर से आएंगे। नेक्स्ट काल के फिर से एक दूसरे ईश्वर मतलब रहेंगे, जो इंसान ही रहेंगे, जिनको मोक्ष मिलेगा, जो क्रोध, मान, माया, इसे मतलब रहित रहेंगे, ये आप मान रहे? हाँ, वो रहित होते हैं और उससे वो भगवान बनते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है, बनते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है, हम डिफाइन कैसे करते हैं इन इस्लाम? इस्लाम में वो एक सूरा है कुरान का, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 104, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह अकेला है, एक है और अकेला है, अल्लाहुस्समद, वो बेनियाज है, मतलब डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर पे, लम यलिद वलम यूलद, वो जनते नहीं है, ना ही किसी से जने हुए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये हमारा डेफिनेशन है गॉड का, जैसे कि आज का जो स्ट्रीम चल रहा है वो गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर में, तो ये हमारा डेफिनेशन है गॉड का, और इसमें जो भी फिट बैठता है उसको हम लोग गॉड मानते हैं। और हमारे हिसाब से इंसान कभी भी गॉड नहीं बनता, क्योंकि ये डेफिनेशन, या कोई भी आप मानिएगा कि इंसान, ईश्वर जो होते हैं और इंसान जो होते हैं, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग होते हैं। मतलब ईश्वर अजन्मा होता है, इंसान जन्म लेता है, ईश्वर अमर होता है, इंसान की मृत्यु होती है। ईश्वर जो होते हैं वो किसी की जरूरत नहीं होती, खाने की जरूरत नहीं, सोने की जरूरत नहीं, इंसान को सब चीज की जरूरत होती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गॉड मैन या मैन गॉड, ऐसे ही कंसेप्ट हुआ जैसे 4-sided triangle, 4 साइड वाला ट्राइंगल नहीं होता, या कोल्ड
फायर, कोल्ड फायर नहीं होता, फायर हमेशा हॉट होता है। तो उसी लिए हम लोग ये बोलते हैं कि ईश्वर जो है इंसान नहीं बनते। ठीक है, आपका एक कंसेप्ट है जो आपने बताया, मेरा एक कंसेप्ट है, वो आप अब उस पर पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और भी इसके ऊपर में। जैसे आज के स्ट्रीम तो खास था एथीस्ट लोग के लिए जो गॉड को मानते ही नहीं, आप तो मान रहे, तो जब कंसेप्ट ऑफ गॉड पे हम लोग बात करेंगे तो और इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रूफ। अच्छा, जैनिज्म में जो स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं वो मुझे अब जानना था एक आपसे, कि स्क्रिप्चर्स किसको आप लोग मानते हैं? स्क्रिप्चर्स का अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा होता है कि अभी जो भगवान महावीर तो 2600 साल पहले हो गए, तो उनके इसमें से एक जैसे लिनियज बोलते हैं ना, एक लाइन ऑफ एक के बाद एक, तो हमारे जो आचार्य भगवान रहते हैं उनके थ्रू आता है। तो अगर सबसे पहला वाला जो उसको हम बोलते हैं कि उसको षटखंडागम बोलते हैं, और उसके बाद बहुत सारे आचार्यों ने लिखे हुए ग्रंथ वगैरह है, तो जिसको हम तो इन बेसिक वर्ड में उसको जिनवानी बोला जाता है। तो उसमें एक बुक नहीं रहता, जैसे कि आपके समय कह सके कुरान इज अ इम्पोर्टेंट बुक जो ऊपर से मीन्स दैट्स द रिवील्ड वन, वैसे सिंगल, हाँ तो आप कैसे वो सिंगल बुक है, हमारे से वो सिंगल बुक नहीं रहता, हमारे इधर रिवील्ड कंसेप्ट रहते हैं, तत्व बोलते हैं उसको, तो अलग अलग ग्रंथों में उनको लिखा लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिखा गया बेसिकली। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात हो रही, तो इतना ही मतलब, क्योंकि आपने कंसेप्ट बताया, मैंने इस्लामिक कंसेप्ट आपको दिया, अब आप उसको कंपेयर कर सकते, देख सकते, और अगर आप चाहे तो कुरान को भी पढ़ सकते, ताकि और भी जो इस्लामिक कंसेप्ट है अल्लाह का या ईश्वर का इस्लाम में, वो आपको उससे पता चल सके। बहुत सारा और भी कंसेप्ट है जो आपको कुरान जब आप पढ़ते मीनिंग के साथ तो आपको समझ में आता है। ठीक है रुचि जैन भाई, इंशाल्लाह फिर कभी कंसेप्ट ऑफ गॉड पे बात होगी तो उस पे आपसे और भी आगे डिस्कशन होगी। ठीक है, थैंक यू शादाब भाई, आपका भी शुक्रिया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।